लकासुंतो ओबे कामंतो वालेका तो अक्कल तो। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है रमज़ान का रोज़ा नंबर 13, 13वां रोज़ा चल रहा है आज रमज़ान का। इससे पहले के मैंने 3-4 व्लॉग मिनी व्लॉग बना के डाला, अगर आप लोग देखे होंगे तो मैं आप लोग को पहले ही बताया था कि अगर मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं रहेगा, कुछ करने को नहीं रहेगा, तो मैं डेली का मिनी व्लॉग तो शूट करके डालूंगा और आप लोग के साथ शेयर करूंगा जो मैं कर रहा था अभी तक का। लेकिन आज कंटेंट है क्योंकि आप लोग को टाइटल से पता चल गया होगा कि क्या है। आज हम लोग ने रखे इफ्तारी की दावत घर में, हम लोग के रिश्तेदार है, फैमिली मेम्बर है, थोड़े बहुत फैमिली मेम्बर को आज बुला रहे, थोड़े बहुत को बाद में, ऐसा करके रमज़ान में दावत देंगे हम लोग सबको। तो अभी फ़िलहाल फजर का टाइम हुआ है, सहरी करके फजर की नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ मैं। बाल देख सकते हो आप, टोपी लगा के ऐसी हो जाते हैं रमज़ान में। तो अभी फ़िलहाल मैं वापस जा रहा हूँ सोने, क्योंकि नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं, नींद आ रही है, जा रहे सोने। मिलूँगा मैं आपसे सुबह मॉर्निंग में, फिर मैं आप लोग के साथ सब शेयर करूँगा कि हम लोग कैसा अच्छे से इफ्तारी की दावत करते, तैयारी करेंगे सब इफ्तारी की। तो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट सुबह। तो देखो यहाँ पे तैयारी, मतलब अभी फजर के टाइम पे हो के रखा है, चिकन निकल के रखा है, यहाँ पे दाल है और इसी के आसपास ये इसके नीचे कुछ है, ये चना है, मतलब कच्चा छोटा चना होता है वो, और ये सब चना लग रहा है, सब भिगा के रखे, सब बनाएगा, सब बनेगा सुबह। अभी मैं सो जाऊँगा, सो के उठूँगा तो आधे से ज़्यादा मम्मी और भाभी लोग सब करके रख दिए होंगे। मैं तो सुबह ही उठूँगा, जितना होगा मैं आपको डायरेक्ट सुबह दिखाऊंगा, बाकी उसके बाद का आगे का प्रोसेस मैं आप लोग के साथ दिखाऊंगा कि कैसा क्या क्या हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल चलते सोने और मिलते हैं आपसे सुबह, बाय। तो हो चुका हूँ मैं रेडी, नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, सुबह हो चुकी है मेरी। अभी हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल कुछ काम से बाहर, और घर में तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। मैं आप लोग पहले कल ही बता दिया था, मतलब व्लॉग में स्टार्ट में बता दिया था कि घर में काम स्टार्ट हो चुका है सबका। तो पहले मैं आप लोग को वो दिखा देता हूँ कि क्या क्या अभी फ़िलहाल चल रहा है काम, और फिर चलते हैं कुछ घर के लिए सामान लेने के लिए इफ्तारी के लिए, तो वो भी लेके आते, मैं सब आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। फिलहाल अभी चलते, पहले आप लोग को बाहर का दिखा दो, फिर चलेंगे सामान लेने। तो यहाँ पर हो रही है तैयारी, सब तैयारी स्टार्ट हो गई है इफ्तारी की। आज यहाँ पर आप कर रही है मैरिनेट चिकन को, तो देखो इधर सब अम्मी आपा भाभी लोग लगे हुए काम के लिए। तो निकल चुके हम लोग मैं और जेकी भाई यहाँ से घर पे से लेके आने घर के लिए थोड़े बहुत चीजें जो चाहिए इफ्तारी के लिए। A few moments later. तो हम लोग आ चुके हैं डी मार्ट कुछ सामान लेने के लिए यहाँ से, ये सब और भी नीचे से ले गए। अभी फिलहाल हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे, ये देखो पूरा, अब यहाँ से नीचे उतर के और भी चीज़ें ले गए, पर पहले यहाँ से ले लेते जो जो चाहिए। यहाँ पे ले रहे, भीड़ देखो, संडे का दिन भी है और रमज़ान में भी ऐसी भीड़ रहता है इधर। यहाँ से लेते और थोड़े बहुत सामान और चलते घर पे। तो ले लिया हम लोग ने अपना सामान जो जो लेना था, अभी पूरा नहीं है, बाहर से भी लेना है थोड़ा बहुत, पूरा रस है इधर बहुत ज़्यादा। तो कैसा दिख रहा है देखिए भाई, मोटा, आप बड़ी छोटी दिखिए ना, ठीक है। तो आ चुके अभी हम लोग फिलहाल घर पे, डी मार्ट से जो जो सामान हम लोग को मिला वो हम लोग लेके आए, जो सस्ता था, जो सस्ता और अच्छा था वो ले लिया, जो महंगा था वो अभी हम लोग फिर से जाएंगे लेने दूसरी जगह से। देखिए भाई परेशान कर रही है दिखाते, तो अभी चलते घर पे देखते और क्या क्या हो रहा है। मैंने निकाला, चलते घर पे देखते क्या क्या हो रहा है। ये रही खाला, क्या क्या हो रहा है अभी। यहाँ पे हो रहा है थोड़ा बहुत, और कुकर की आवाज आ रही है, ये देखो इसको इधर ही रख दो, और दिखाता हूँ मैं क्या क्या हो रहा है।
ये भी हो रहा है इधर। यहाँ पे ये दाल है, ये चिकन है, और यहाँ पर रिजू है, और ये रोजू है। रोजू रिजू सब हो रहा है। वो देखो वो भी चीज़ है, वो आपको पता चलेगा क्या चीज़ के लिए वो नहीं दिख रहा। वो भी है, वो आपको पता चलेगा क्या चीज का है वो सब। One hour later. हम लोग ने प्लेट लिए थे, प्लेट चम्मच कटोरा, अभी यहाँ से फ्रूट ले रहे। फ्रूट नहीं खाली केला ले रहे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा फ्रूट नहीं रखने वाले इफ्तारी के लिए। तो अभी वापस आ गया हूँ मैं घर पे, जो सामान था मेरा जो काम था मैंने वो कर लिया। अभी घर में काम चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये सब, ये समोसे की पट्टी, ये रोल, ये भी है, और भी हो रहा है, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी बाकी काम हो रहा है, ये देखो यहाँ बन रहा है स्टिक। तो अभी आ चुका हूँ मैं घर पे, बाहर जितने भी मेरे काम थे सब मैं कर लिया हूँ, और जो जो आप लोग को दिखा दिया हूँ कि क्या क्या हो रहा है, जो जो आइटम सब फ्राई हो रहे हैं वो आपको बता दिया हूँ। इसके बाद मैं ऐसा छोटा सा ऐसा शॉर्ट्स बना के डालूंगा कि आप लोग को दिखेगा अच्छे से कि क्या क्या हम लोग ने बनाए, कैसे बनाए, जो जो घर में बन रहा है वो सब। अभी फ़िलहाल टाइम है 2 घंटा है इफ्तारी के लिए, तो थोड़ा देर वेट करते, इंतज़ार करते, सब मेहमान लोग आएंगे तो अच्छे से हॉल में पूरा दस्तरखान बिछाएंगे, पूरा हॉल भर देंगे इफ्तारी के लिए, पूरा हॉल में इफ्तारी सजा देंगे सब मेहमान लोग के लिए। तो अभी थोड़ा देर वेट करते, असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं आप लोग से मिलता हूँ। उससे पहले आप लोग ये शॉर्ट्स देखो जो इसके बाद आएगा, जो घर में हम लोग सब बना रहे। अभी इधर स्टार्ट हो चुका है फूड कटिंग करना, देखो। हो गया पूरा रेडी सब, जो जो है इफ्तारी के लिए। अभी उसको कलेंगे अलग और सबको प्लेट में सजाएंगे। तो लग चुका है यहाँ पे दस्तरखान, अभी इस पे रखेंगे सारी फ्रूट की प्लेटें और करेंगे इफ्तारी। लकासुम तो होगे का मन तो वाले का तो अक्ल तो वाला रिश का अफ्तर तो बंद कबल।
तो हो चुकी है आज की इफ्तारी फिनिश। आज था रोज़ा नंबर 13, तेरहवा रोज़ा था आज हो चुका है। दावत जितने अम्मी अब्बा ने सब दावत दिए थे फैमिली मेम्बर लोग को। अभी पूरी हम लोग की फैमिली नहीं है, मतलब जो रिश्तेदार होते पूरे नहीं है, अभी तो बस थोड़े से रिश्तेदार है। अभी और भी रिश्तेदार है जिन लोग को और बाद में दावत देंगे तो सब आप लोग के साथ में बता ही दूंगा आपको। अभी फ़िलहाल कुछ ही रिश्तेदार थे जिन लोग की दावत थी। तो अभी मैं सब जा चुके, सब बैठे थे बात बात कर रहे थे, तो मैं रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा क्योंकि सब अपने में ही बात कर रहे थे। इस वजह से इफ्तारी हो चुकी है, सब जा चुके घर पे, मैं बैठ चुका हूँ रूम में व्लॉग एंड करने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग मुझे बताओ। मैं आप लोग को बताया था पहले भी कि अगर कुछ कंटेंट नहीं था तो मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा था। मैंने व्लॉग में नहीं बताया था जब शॉर्ट्स डाला था, जो फर्स्ट शॉर्ट्स डाला था इसका रमज़ान का, उसमें मैंने बोल दिया था पहले ही। तो मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ कि जब मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं रहेगा, छोटा मोटा चीज़ रहेगा, तो मैं शॉर्ट्स बना के अपलोड करूँगा। जब ऐसा कुछ रहेगा, कुछ ऐसा बड़ा चीज़ फंक्शन होगा या कहीं हम लोग घूमने जाएंगे यार इफ्तारी करने जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। अभी 3-4 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही, थोड़ा ख़राब चल रहा है, सर्दी खांसी भी हो रही है मेरे को, इस वजह से मैं शॉर्ट्स ही अपलोड कर रहा हूँ। तो बस इस ब्लॉग को फ़िलहाल यहीं एंड करते, ज़्यादा अब वो नहीं करते, यहीं एंड करते। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे कल न्यू व्लॉग में या शॉर्ट्स या लॉन्ग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।